हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नक्श सुबह सुबह उठते ही बोलता है, आरू बेबी चाय दे दो। कोई जवाब ना आने पर नक्श बेड की दूसरी साइड देखता है तो आरुषि बड़े ही आराम से सो रही होती है। ये देखकर वो बोलता है, इसकी माँ का निंजा हथौड़ी चुड़ैल कैसे सो रही है। हे भगवान, कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बीवी बनाने का सोचा था। यार क्या सुबह सुबह बकवास करे जा रहे हो, अरे उठ गए हो तो चाय बना लो ना। ओ हेलो, मैं तुम्हारा पति हूँ तो इस नाते तुमको मुझे चाय देनी चाहिए, समझी। यार देखो तुम्हें पता है ना, सुबह सुबह मेरे बस की नहीं है खड़े होकर रसोई में चाय बनाना, तुम अच्छे से जानते हो। फिर भी यार, अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बीवी है और इसी के साथ साथ इस घर की बहू भी है। अगर मम्मी को पता लगा ना कि मैं बनाता हूँ रोज सुबह चाय तो तुझे ताने मार मार के तेरे कानों से खून निकाल देंगी। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे होते हैं तभी नक्श की माँ निर्मला अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोलती है, आरुषि बहू कहाँ है, उठी नहीं क्या। निर्मला की आवाज़ सुनकर नक्श आरुषि से बोलता है, लो माँ आ गई तुम्हें बुलाने, यार जल्दी से उठ जा, माँ को कम ये तो मत पता लगने दे कि तू अब तक सो रही थी। कुत्ते, उठ रही हूँ। मेरी माँ कभी तो मुझे पति वाली इज्जत दे दिया कर। ठीक है स्वामी, आप अपना ये बेहुदा चेहरा लेकर ना दफा हो जाइए, मुझे नहाने जाना है। जान निकल आलस की दुकान। आरुषि उठकर नहाने चली जाती है जिसके बाद नक्श नीचे अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ वो आज आरुषि के कमर में दर्द था तो इसलिए वो चाय नहीं बना पाई, बस अभी नहा के आ रही है फिर बना देगी। क्या बहू के कमर में दर्द है तो नलायक उसे सोने देता, रोज तो बेचारी उठ ही जाती है। चल कोई नहीं, मैं चाय बना देती हूँ जब तक आरुषि भी आ जाएगी। वाह, सुबह उठ के चाय मैं बनाता हूँ और बेचारी वो, ये भगवान कहाँ फंस गया। निर्मला चाय बनाने चली जाती है और नक्श बाहर बैठकर टीवी देखने लगता है। कुछ ही देर में आरुषि तैयार होकर नीचे आती है। दूसरी तरफ निर्मला भी चाय के कप लिए रसोई से बाहर आ रही होती है। ये देखकर आरुषि बोलती है, अरे माँ आपने क्यों तकलीफ की, मैं बस आ ही रही थी, लाओ ये ट्रे मुझे दो। अरे बहू कोई नहीं, मैंने थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो क्या हुआ, वैसे भी तेरी कमर में दर्द है तो तू ज्यादा देर खड़ी मत हो। क्या कमर में दर्द, वो भी मेरे। नक्श निर्मला के पीछे से इशारा करके आरुषि को समझाता है कि उसने माँ से झूठ बोला है, जिसके बाद आरुषि चाय की ट्रे को साइड में रखने के बाद अपनी कमर पे हाथ रखते हुए बोलती है, आए सच में माँ जी मेरी कमर तो बड़ी दर्द हो रही है, पर आप चिंता मत करो, हाय मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूंगी। अरे बहू तू सिर्फ आराम करेगी, और रही बात काम की तो वो मैं और नक्श मिलकर कर लेंगे। क्या मैं क्यों, मेरे से नहीं होता ये घर का काम, अपने आप देखो। मौके का फायदा उठाते हुए आरुषि दर्द का नाटक करते हुए बोलती है, हाय माँ जी ये कमर का दर्द तो मेरी जान लेकर रहेगा। नक्श देख नहीं रहा क्या तू बहू की हालत, अरे तेरी बीवी से पहले वो तेरी दोस्त थी, तो क्या अपनी दोस्त के लिए एक दिन काम नहीं कर सकता। बस बस ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, कर दूंगा। अरे बहू तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं नाश्ता तेरे कमरे में ही भिजवा दूंगी। निर्मला रसोई में चली जाती है और आरुषि अपने कमरे में जाते जाते नक्श को चिढ़ाने लगती है। ये देखकर वो बोलता है, बच्चू आज तुमको बचाने के लिए मैंने झूठ बोला और तुमने मुझे ही फंसा दिया, अब देखियो मैं कैसे बदला लेता हूँ। आरुषि कमरे में जाकर बड़े आराम से लेटकर फोन चलाने लगती है। कुछ ही देर में नक्श नाश्ते के लिए कमरे में आता है और आरुषि को आराम करता देखकर बोलता है, चुड़ैल बड़ा आराम फरमा रही है, उठ और खाना ठूस ले। ओ हेलो तमीज से, माँ जी से बोलूँ क्या, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बेटा ले ले मजे, मेरा भी टाइम आएगा। हाँ बेबी डोंट वरी, हर कुत्ते का दिन आता है तो तुम्हारा भी आएगा। ओए चलिए खाना खा, मुझे बर्तन भी धोने हैं। ओ मेला बेबी आ, तू मेले पा दादा। मुक्का मार के ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, पान थूक के बात कर ले। अरे नक्श मजाक कर रही थी, अच्छा आओ ना साथ में खाना खाते हैं। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजरते हैं। और एक दिन आरुषि नक्श से बोलती है, नक्श सुनो ना यार हुक्का पीने का बड़ा मन कर रहा है, ले आओ ना। पागल है क्या, माँ को पता लगा ना तो दोनों को घर से निकाल देंगी। यार तुम ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, शादी से पहले तो मेरे आगे पीछे फिरकी की तरह घूमते थे, ड्रिंक करना लेट नाइट पार्टीज एंड ऑल, और अब तुम मेरे लिए एक हुक्का अरेंज नहीं कर सकते। वो सब शादी से पहले था,
क्योंकि तू और मैं दोस्त थे और अलग अलग घर में थे, इसीलिए बाहर घूमने जाना आसान था। लेकिन अब हम एक ही घर में रहते हैं तो बात को समझ और चुप रह। मैं नहीं, मुझे हुक्का पीना है तो मतलब पीना है। अगर तुम नहीं लाए ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं। यार तुमसे शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, तुमने ना जीना हराम किया हुआ है। तुम बहुत बुरे हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मम्मी पापा मुझे ले जाओ यहाँ से। चुप हो जा मेरी माँ, ला रहा हूँ। ये हुई ना बात, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हो जानू। आई लव यू। बस बस। नक्श घर के बाहर हुक्के का सामान लेने निकल जाता है और पीछे से निर्मला भी अपने एक पड़ोसन के घर चली जाती है। कुछ देर में नक्श सामान लेकर घर आता है और अपने कमरे में जाकर आरुषि से बोलता है। ओए ले तो आया हूँ, पर माँ ने देख लिया तो? बेबी डोंट वरी, माजी घर पर नहीं है, अपनी एक दोस्त के घर गई है और बोल रही थी आने में टाइम लगेगा। वाह तो चल शुरू करते हैं। हाँ मैं बनाती हूँ, रुको। आरुषि हुक्का तैयार कर देती है, जिसके बाद दोनों अपने कमरे में बैठकर आराम से हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और धुएं के छल्ले बनाने में मग्न हो जाते हैं। पीछे से निर्मला वापस आती है और अपने बेटे के कमरे से धुआं निकलता देखकर बोलती है, हाय बहू के कमरे में आग लग गई, ये नक्श भी बाहर है, क्या करूँ क्या करूँ। अरे निर्मला जल्दी सोच, कहीं बहू जल के राख न बन जाए। पानी की बाल्टी ले और भाग ऊपर। निर्मला पानी की बाल्टी लेकर नक्श के कमरे में जाती है और दरवाजा खोलते ही पानी से भरी बाल्टी उन दोनों पर फेंक देती है। पानी पड़ते ही नक्श और आरुषि चिल्लाकर बोलते हैं, बाढ़ आ गई, बचाओ बचाओ बचाओ। पानी की वजह से धुआं हटने पर निर्मला देखती है कि नक्श हुक्के की पाइप हाथ में पकड़े बैठा है। ये देखकर वो बोलती है, हाय हाय तुम दोनों अंदर कौन सा नशा कर रहे थे, पूरे घर में धुआं धुआं फैला दिया। वो माजी मैं नहीं पी रही थी, ये पी रहे थे और मुझे जबरदस्ती पिला रहे थे। ओ कितनी बड़ी झूठी है, माँ यही पीने को कह रही थी तो ही मैं लाया था, सच्ची। नहीं नहीं माजी, मैं तो बड़े आराम से सो रही थी, यही मेरे पास आई और बोले बेबी हुक्का पी लो, मैंने मना किया तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। आरू यार इतना तो झूठ मत बोलो। चुप हो जा नलायक, खुद का मन होगा पीने का और बेचारी मेरी बहू को फंसा रहा है। रुक तू, आज तेरे सारे नशे उतारती हूँ। इस झाड़ू से सूत कर तेरा भूत ना बना दिया तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। नहीं माँ ऐसा नहीं करते, मैं आपका नन्ना सा प्यारा सा बेटा हूँ। हाँ दिखाती हूँ तुझे कि कितना प्यारा है तू। निर्मला झाड़ू लेकर नक्श के पीछे भागती है और ये सब देखकर आरुषि जोर जोर से हंस रही होती है और बेचारा नक्श बिना वजह एक बार फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड बनी बीवी के हाथों सूली चढ़ जाता है। प्रीशा बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपन से ही एक बड़ा दिल था, जिसकी वजह से सभी उसे चिढ़ाया करते थे। वो अपनी माँ पूजा और पापा राम के साथ रहती थी। उसे लिखने का बहुत शौक था, वो आए दिन कोई ना कोई छोटी कविता लिखती ही रहती थी। वो अपने घर के पास के स्कूल में टीचर की जॉब किया करती थी, वहाँ भी सभी उसके बड़े तिल का बहुत मजाक बनाते थे। ऐसे ही एक दिन, प्रीशा बेटा उठ जाओ, तुम्हें जाना नहीं है। नहीं माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वहाँ भी सब मुझे मेरे बड़े तिल के चलते बहुत चिढ़ाते हैं। अरे क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? जी वो आपके लाडले है ना, आज स्कूल जाने से मना कर रही है, अब आप ही समझाइए उसे कुछ। देखो बेटा लोगों का काम ही होता है कहना, और तुम उनके बारे में सोच रही हो, तुम ये सोचो कि तुम उनसे अलग हो। इस तरह प्रीशा अपने पापा की बात मानकर वापस अपने काम पर जाती है। उसके माँ पापा उसकी शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके तिल की वजह से कहीं बात नहीं बन पाती, जिसके चलते उसके माता पिता काफी परेशान रहने लगते हैं। प्रीशा खुद को ही इन सभी बातों का दोषी मानती है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन उसके बचपन का दोस्त आयुष उसे मिलने आता है। अरे प्रीशा क्या हुआ, देख रहा हूँ आजकल कहीं आती जाती नहीं हो, जॉब छोड़ दी क्या तुमने अपनी? तुम तो जानते ही हो ना कि सब मेरे इस बड़े तिल के चलते मेरा कितना मजाक बनाते हैं। अच्छा तो ये बात है, तो एक बात बताओ तुम, कल को अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया और उस हादसे में मेरा एक हाथ कट गया
तो क्या मैं जीना छोड़ दूंगा क्या? अरे ऐसे थोड़ी होता है भला। तो तुम ऐसा क्यों सोचती हो मैडम? और सुनो, तुम देखना एक दिन ये तिल ही तुम्हारी पहचान बनेगा। इस तरह प्रीशा और आयुष की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद आयुष प्रीशा के बारे में अपनी माँ मंदिरा को बताता है। दोनों माँ बेटा प्रीशा के घर उसे देखने आते हैं। जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। बहन जी लेना देना तो होता रहेगा, आप जरा प्रीशा को बुला दीजिए। प्रीशा हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है और प्रीशा का दिल देखकर मंदिरा का मुंह बन जाता है। आओ बेटा बैठो। जी आंटी जी। वैसे बाकी सब तो ठीक है, मगर इसका ये दिल हमारी बेटी के चेहरे पर बचपन से है। हाँ माँ, और मुझे इसके तिल से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह प्रीशा और आयुष का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, पर मंदिरा प्रीशा के तिल को लेकर उसे कोसना शुरू कर देती है और हर काम में उसकी गलतियां निकालती है, लेकिन प्रीशा कभी भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ प्रीशा कहाँ मर गई? जी माँ जी क्या हुआ? पहले ये बता कि अभी तक घर का काम क्यों नहीं हुआ? माँ जी वो जाकर सारा काम कर और फिर मेरे लिए चाय बना कर ला, सर में दर्द कर रखा है मेरे। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और प्रीशा घर के काम करने के बाद खाली समय में अपने डायरी में छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू कर देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसके पति आयुष का सारा काम ठप हो जाता है और वो बहुत ही परेशान हालत में घर आता है। उसे ऐसा देखकर प्रीशा उससे पूछती है, क्या बात है आयुष, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं प्रीशा, मेरी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है जिसके चलते मेरी जॉब चली गई। जी सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। पता नहीं आगे क्या होगा, क्या करेंगे हम? मैंने कहा ना तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम मिलकर इस प्रॉब्लम से डील करेंगे। ये सारी बातें मंदिरा सुन लेती है और प्रीशा को इस सब का जिम्मेदार मानती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तो वहीं प्रीशा अपने दिल की हालत अपनी कविताओं के जरिए बयां करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन टेबल पर रखी प्रीशा की डायरी आयुष के हाथ लग जाती है और वो उसकी इस प्रतिभा को देखकर बहुत खुश होता है और उससे जाकर बात करता है। प्रीशा ये सब तुमने लिखा है? अरे ये तो मेरी डायरी है, आपको कहाँ मिली? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब तुमने कब लिखा, और अगर लिखा भी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो बस मैंने ऐसे टाइम पास करने के लिए लिख दिया था। क्यों ना मैं तुम्हारी कविताएं पोस्ट कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। आयुष प्रीशा की सारी कविताएं धीरे धीरे इंटरनेट पर डालना शुरू कर देता है जो लोगों को बेहद पसंद आती है और प्रीशा की फैन फॉलोइंग बढ़ने लग जाती है। साथ ही उसके फैंस उसकी फोटो मांगना भी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आयुष प्रीशा को बिना पूछे उसके पिक्चर्स अपलोड कर देता है। उसके फैंस उसकी कविताओं के साथ साथ उसके बड़े तिल को भी बहुत पसंद करते हैं, साथ ही वो एक पूरी किताब की डिमांड करते हैं। तभी इस सिलसिले में आयुष प्रीशा से बात करता है। प्रीशा यहाँ आओ जल्दी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जी क्या बात है, कुछ बोलो भी। अरे पागल, तुम्हारे फैंस चाहते हैं तुम कविता के साथ साथ किताबें लिखना भी शुरू कर दो। जी ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। आयुष के कहने पर प्रीशा अपनी बुक लिखना शुरू करती है और कुछ समय बाद बुक रेडी हो जाती है। आयुष जल्दी से बुक को ऑनलाइन अपलोड कर देता है और देखते ही देखते लोग उसकी किताब को पसंद करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद
इस सब से प्रीशा को पेमेंट मिलना भी शुरू हो जाता है और वो सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी प्रीशा के पास एक बड़ी कंपनी का कॉल आता है और वो उसकी बुक की हार्ड कॉपीज प्रिंट करवाने के लिए पूछते हैं, साथ ही उसे पेमेंट देने का भी बोलते हैं। ये सब सुनकर आयुष और प्रीशा फौरन हाँ कर देते हैं। कुछ ही समय बाद उसकी बुक बेस्ट सेलर बन जाती है और कंपनी वाले उसके सम्मान के लिए एक पार्टी रखते हैं, जहां प्रीशा को उसके पूरी फैमिली के साथ बुलाया जाता है। लेकिन ये बात सुनकर प्रीशा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और आयुष से कहती है, आयुष जी, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं वहां जाऊंगी तो सब लोग फिर से मेरे बड़े दिल का मजाक बनाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी? हम वहां जरूर जाएंगे, और तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो सभी समारोह में जाते हैं जहां प्रीशा का खूब मान सम्मान होता है। साथ ही उसको ये सब देखकर बहुत ही अच्छा भी लगता है कि कोई भी उसके बड़े दिल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, बस उसका अभिनंदन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उस समारोह में प्रीशा को एक नए नाम से सम्मानित किया जाता है, जो कि बड़े तिल वाली राइटर होता है। अपना ये नया नाम जानकर प्रीशा को बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह अब उसका तिल उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। साथ ही प्रीशा का खुद को लेकर नजरिया भी बदल जाता है, तो वहीं उसकी सास मंदिरा को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बड़े तिल वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।